गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। 90 के दशक में जब अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन था तो उसने सबसे क्रूर दमनकारी शासन चलाया। भारत ने उस दौरान आतंकवाद के कई जख्म झेले थे, पर अब भारत आर्थिक और कूटनीतिक तौर पर एक मजबूत राष्ट्र बन चुका है। और उधर तालिबान ने 20 साल बाद एक बार फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इस कब्जे ने कहीं न कहीं भारत की मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि भारत अभी तालिबान को लेकर पशु पेश में है कि उसे तालिबान पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। हालांकि तालिबान खुले तौर पर कई बार कह चुका है कि वह भारत से अच्छे संबंध चाहता है और अफगानिस्तान की धरती वह किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। भारत भी कूटनीतिक समझ से धीरे धीरे तालिबान से नजदीकियां बढ़ा रहा है, चाहे वह कतर में 31 अगस्त को तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास अस्तान कजई से भारतीय राजदूत दीपक मित्तल की मुलाकात हो या फिर सुरक्षा परिषद की ओर से दिया गया बयान जिसमें तालिबान को समर्थन देने जैसी बात कही गई थी, या फिर पहले से चली आ रही तालिबान से बैकडोर बातचीत। भारत और तालिबान दोनों के अपने अपने एक दूसरे से फायदे हैं। जहां तालिबान को अफगानिस्तान में सत्ता चलाने के लिए भारत आर्थिक और सामरिक रूप से मदद कर सकता है, वहीं भारत भी अफगानिस्तान में मौजूद रहकर अपने सामरिक, कूटनीतिक और सुरक्षात्मक स्थिति को दक्षिण एशिया में सुरक्षित रख सकता है। हालांकि तालिबान के सहयोगी अलकायदा की ओर से कश्मीर को लेकर जो बयान आया उसे देखते हुए भारत अब एक बार फिर से यह सोचने पर मजबूर हो गया है कि क्या कश्मीर के मुद्दे पर तालिबान पर भरोसा किया जा सकता है। दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद आतंकवादी संगठन अलकायदा ने तालिबान को बधाई देते हुए वैश्विक मुस्लिम समुदाय के अन्य क्षेत्रों को भी मुक्त कराने का आह्वान किया था और उसने सबसे पहला टारगेट कश्मीर को रखा है, जिसने भारत की मुश्किलें बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि अलकायदा के इस बयान के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, इसलिए कश्मीर को लेकर देश में सुरक्षा भी हाई अलर्ट पर कर दी गई है। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कश्मीर पर तालिबान का रुख साफ किया है और कहा है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का निजी मामला है। सुहेल ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। वो कश्मीर जो है ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक मसला है। हम चाहते हैं कि वो सुलहानी पीसफुल तरीके से वो दोनों के बीच हल हो जाए, वो हल करें, ये है। दूसरा हमारे मौकिफ है कि आम अफगानिस्तान के सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे, इजाज़त नहीं देंगे। हाँ, और ना हमारे पास फॉरेन एजेंडा है किस मुल्क में मुदाखलत करेंगे, ये एक चीज़। दूसरा ये चीज जो मैंने बीबीसी को बताया था, वो मैंने ये बताया था कि अगर अफगानिस्तान में इश्यूज हो, ह्यूमैनिटेरियन इशू हो, जैसा हमारे हिंदूज और सिख माइनॉरिटी है, उधर ऐसा इंसिडेंट हो ह्यूमैनिटेरियन, जैसे पिछले कई हफ्तों में पक्तिया प्रोविंस में वो झंडे का एक मसला था, ऐसा रिपोर्ट हो चुका था कि तालिबान ने वो झंडा को नीचे उतार दिया, हालांकि ऐसा नहीं था। तो सब उन्होंने उसके बारे में रिपोर्ट की, उठा आवाज उठाई, तो मैंने कहा अगर ऐसा ह्यूमैनिटेरियन इशू हो जो भी जगह भी इंडिया में हो, तो हम उसके बारे में अपनी पोजीशन को एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है। जैसे वो एक्सप्रेस करते हैं हम भी एक्सप्रेस करते हैं, ये नॉर्मल है, सारे ममालिक में होते हैं। तो मेरा मैंने ये कहा था। बता दें कि इससे पहले भी जब 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, उसके एक हफ्ते बाद कश्मीर पर तालिबान के प्रवक्ता जबीबुल्लाह मुजाहिद ने बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों देशों को एक साथ बैठना चाहिए और मामलों को हल करना चाहिए, क्योंकि दोनों पड़ोसी हैं और उनके हित एक दूसरे से जुड़े हैं। भारत को घाटी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कश्मीर का नाम होना और शिनजियांग का नाम न होना शक पैदा करता है। तालिबान ने अभी हाल ही में बयान दिया कि उसका सबसे खास दोस्त चीन, और वह चीन से ही फंड लेकर अफगानिस्तान में अपनी स्थिर सरकार चलाएगा। वहीं अलकायदा जो तालिबान का दोस्त है और अपने आप को इस्लाम का सबसे बड़ा मसीहा मानता है, उसकी तरफ से एक बयान आया जहां उसने कहा कि अफगानिस्तान को अमेरिकी कब्जे से मुक्त कराने के बाद अब अन्य मुस्लिम क्षेत्रों को भी काफिरों से मुक्त कराना होगा। अपने इस बयान में उसने कश्मीर, इराक, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, लीबिया
मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, सोमालिया जैसे जगहों का जिक्र किया, लेकिन खास बात यह है कि कहीं भी चीन के शिनजियांग प्रांत का नाम शामिल नहीं है, जहां वीगर मुस्लिमों पर सबसे ज्यादा जातीय होती है। ऐसे में अलकायदा की इतनी हिम्मत नहीं कि वह तालिबान के खिलाफ जाकर चीन के खिलाफ कुछ बोले, लेकिन उसने भारत के खिलाफ जरूर बोला और इस पर तालिबान का कोई रिएक्शन नहीं आया, जो कश्मीर के लिए तालिबान को एक बार फिर संदेह पैदा करता है। तालिबान का इतिहास देखकर उस पर कोई भी देश इतनी आसानी से विश्वास कर ले, शायद ही ऐसा हो सकता है। 90 के दशक में जब अफगानिस्तान पर उसका शासन था तो उसने सबसे क्रूर दमनकारी शासन चलाया। उस वक्त अफगानिस्तान में सार्वजनिक तौर पर लोगों की हत्याएं करना, पत्थर मारकर उन्हें जान से मार देना, कोड़े मारना आम बात थी। महिलाओं के लिए तो वह दौर नर्क से भी बदतर था, लेकिन अब तालिबान बयान दे रहा है कि वह पूरी तरह से बदल चुका है और अब वह महिलाओं को पढ़ने लिखने और नौकरी करने का अधिकार देगा, लोगों की जिंदगी संपत्ति और उनकी गरिमा की सुरक्षा करेगा, अफगानिस्तान के लिए एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल बनाने का जोर देगा और अमेरिकी और नाटो नेताओं के साथ काम कर चुके काबुल शासन के अधिकारियों की रक्षा भी करेगा। लेकिन क्या वाकई में इस वक्त अफगानिस्तान में यह सब हो रहा है, ये दुनिया देख रही है। कश्मीर को लेकर भारत अपनी पूरी तैयारी करके बैठा है। अफगानिस्तान में जैसे ही तालिबान की हुकूमत आई, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कश्मीर को हाई अलर्ट पर कर दिया, सीमा पर चौकसी और बढ़ा दी गई है। दरअसल 90 के दशक में जब अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत थी, तब हिंदुस्तान ने आतंकवाद के कई जख्म झेले थे। उसी समय कारगिल का युद्ध हुआ, जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला हुआ, भारत की संसद पर हमला हुआ और IC-814 विमान अपहरण जैसी कई घटनाएं हुई। इसलिए कश्मीर को लेकर भारत पूरी तरह से सतर्क है और वह आतंकवादियों के किसी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगा। हालांकि अब अफगानिस्तान का एकमात्र प्रांत जो तालिबान के कब्जे से बाहर था, उस पर भी तालिबानी दावा कर रहे हैं कि वह पंजशीर पर कब्जा कर लिया है। न्यूज़ तक ब्यूरो।